हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है यू वी डी एक्स का, वो उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आखिर यू इंटू वी डी एक्स का जो फॉर्मूला है वह कैसे आता है। तो पहले हम जान लें कि यू इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, यू इंटू वी डी एक्स का आपके लिए फॉर्मूला क्या लिखा गया है, यू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स का ये क्या लिखे हैं, यू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स पूरे का डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि यह कैसे आता है। इसके लिए हमको यू इंटू वी के डिफ्रेंसिएशन का जो फॉर्मूला होता है उसको भी जानना पड़ेगा। मतलब अगर दो फंक्शन इस रूप में हो, यू इंटू वी या यू इंटू डब्लू, और इसको डिफ्रेंशिएट करना हो, तो आपको बतलाया गया है कि पहले एक फंक्शन को छोड़ देते हैं, दूसरा को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को छोड़ते हैं, पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यू डी डब्लू बाई डी एक्स प्लस इस बार डब्लू डी यू बाई डी एक्स, ऐसा होता है। तो इसके मदद से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं इसके लिए। तो लिखेंगे लेट यू एंड डब्लू, यू एंड डब्लू आर टू फंक्शंस इन एक्स। एक्स में यू और वी, यू और डब्लू दो फंक्शन हैं। तो चूंकि आप जानते हो, अभी अभी हम बतलाए, यू इंटू डब्लू का डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू यू डी डब्लू बाई डी एक्स प्लस डब्लू डी यू बाई डी एक्स, होगा ऐसा। अब इसको क्या काम करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यू इंटू वी, मतलब u इंटू वी के डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो यह सॉरी u इंटू डब्लू के डिफ्रेंसिएशन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यह यही हो जाएगा। मतलब f डैश एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो वही f डैश एक्स हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया u डब्लू इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो गया, u डी डब्लू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, प्लस डब्लू डी यू बाई डी एक्स और ये डी एक्स। अगर हम मान लें लेट डब्लू इज इक्वल टू डी डब्लू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, डी डब्लू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी मान लें, तो डी डब्लू क्या होगा, यहाँ से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी एक्स, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को अगर वी आप मानते हैं तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हुआ वी डी एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। अब नाउ यहाँ से अगर जो हम इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें और इसमें से इसको घटा कर लिखें तो क्या होगा। देखो तो यहाँ से u w इसको सिर्फ लिखना चाहें तो इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, जो देख लीजिए u d w बाई डी एक्स डी एक्स, इसको सिर्फ लिख रहे हैं इसको, तो ये क्या होगा u w, और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ डब्लू डी यू बाई डी एक्स और पूरे का डी एक्स, इसको छोड़ दिए, इसको ले आए। अब डी डब्लू बाई डी एक्स को हम भी माने हुए हैं, डी डब्लू बाई डी एक्स को भी माने हुए हैं, भी लिखेंगे। डब्लू को क्या लिखेंगे, वी डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स रहने देंगे, डब्लू का वैल्यू रखेंगे। तो अब हम ऊपर चल रहे हैं इसी को, या यहीं पर लिख देख जाइए, ऊपर लेकर चलते हैं इसको। तो यहाँ से देखो क्या होगा, तो u और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को हम लोग लिखेंगे v, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को v, तो क्या हो गया u इन टू वी और डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को v लिखा है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स v है, तो u इन टू वी और पूरे का डी एक्स इज इक्वल टू u और w कितना है, w है देखो v डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस ये डी यू बाई डी एक्स को पहले लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है, डी यू बाई डी एक्स को हम लोग पहले लिख लेते हैं, और इंटू डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मतलब है फिर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो आप देख सकते हैं कि यही इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का हम लोग फार्मूला लगाए थे। तो होप सो कि आप ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला समझ गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, फिर से हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो ये है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला और उसका एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इस टाइप का वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।